और पिछले वीडियो में आप लोगों ने काफी प्यार और सपोर्ट दिया, जो कि वीडियो जो है लगभग मिलियन में जाने वाला। एक साल से बना रहे हैं रील, एक साल से रील। अच्छा, आपको कोई बोला था रील बनाने की? आप अपने मन से बनाने लगे? अपने मन से। 6 साल का बच्चा सोशल मीडिया के माध्यम से रील बना के, रील अपलोड करके यूट्यूब, फेसबुक, टिक्की ऐप पर पैसा भी कमा रहा है। सरस्वती पूजा मना रहे थे ना, उस टाइम हम डीजे बजा के छोड़ दिया और चले गए, हम साइड हो गए। उस टाइम में जो है इसने डांस कर रहा था, ठीक है। उसके बाद जब हम डांस करते हुए इसको देखे तो हमको अच्छा लगा, तो सोचे क्यों ना ये वीडियो ही बनाया जाए। आश्चर्य हो रहा है इस बात की कि ये लड़का खुद से जो है अपलोड कर लेता है, खुद से वीडियो शूट भी करता है, रील भी बनाता है। मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं DNY न्यूज। इस वक्त मैं सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड अंतर्गत थाड़ी भवानीपुर पंचायत के बिशनपुर गांव वार्ड नंबर 12 में मौजूद हूं। और अभी हमारे साथ वही 6 वर्ष का वायरल बॉय आर्यन राज है। इसका वीडियो पहले भी हम आपको दिखाए थे, काफ़ी वायरल चल रहा है। और इसकी जो कलाकारी है, इसको इसका जो डांस करने का जो कलाकारी है, जो इसके अंदर प्रतिभा है, उसको हमने आपको दिखाने का प्रयास किया था। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी प्यार और सपोर्ट दिया, जो कि वीडियो जो है लगभग मिलियन में जाने वाला है। और वही आर्यन राज है दोस्तों, आपको फिर से बता दूँ कि महज ये 6 साल उम्र है इसका, लेकिन इसकी जब आप कलाकारी देखिएगा, इसके अंदर जब आप देखिएगा तो आप भी हैरान हो जाइएगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, पूरी जानकारी आपको देंगे और आर्यन राज से बात भी करेंगे और क्या क्या इसके अंदर प्रतिभा है, किस तरह का कलाकारी ये दिखाता है, आपको सारा जानकारी हम फिर से देने का प्रयास करेंगे। और साथ में इनके पापा भी हैं धीरेंद्र जी। तो सबसे पहले धीरेंद्र जी, स्वागत है हमारे चैनल में। DNY न्यूज को जो भी देख रहे हैं आप सभी को स्वागत है, मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं चाहूँगा कि आप लोग जितना भी इस न्यूज़ को सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए मेरे पास बोलने का वो मौका नहीं है। और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहें, इस न्यूज़ को आगे बढ़ाते रहें, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। देखिए, बिल्कुल हम लोगों का काम है कि हमारे गांव समाज में अगर कोई भी छोटा बच्चा, उसके अंदर अगर प्रतिभा है तो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना और उसकी रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, लोगों को दिखाना। इसीलिए कहीं ना कहीं हमने इसका वीडियो पहली बार दिखाया था और आप लोगों ने काफ़ी प्यार सपोर्ट दिया था, जो कि वीडियो मिलियन में जाने वाला है। और आइए थोड़ा सा हम पहले इनसे बात कर लेते हैं, आर्यन राज से। आर्यन राज, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक, पिछला बार जो आपका वीडियो बना था, इंटरव्यू हुआ था, वो तो वायरल हो रहा है खूब। कैसा लग रहा है? निक लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, खूब वायरल हो रहा है। अच्छा, ये बताइए आप क्या करते हैं? रील बनाते हैं? रील बनाते हैं। कब से रील बनाते हैं? 2-3 दिन से। कितना दिन से बनाते हैं? 1 वर्ष से। 1 साल से। अच्छा, आपको कोई बोला था रील बनाने की? आप अपने मन से बनाने लगे? अपने मन से। अभी तक जो है ना ये सैकड़ों रील बना चुका है दोस्तों। और आपको बता दूं, इतना ही नहीं, ये मात्र 6 साल का बच्चा सोशल मीडिया से अर्निंग भी कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है। इसके मोबाइल में बनाते हैं? पापा के मोबाइल में। पापा के मोबाइल में। पापा मोबाइल दे देते हैं? हाँ दे देते हैं। कहाँ कहाँ बनाते हैं रील? कहाँ पे बनाते हैं? घर में, बाड़ी में, घर में, इधर खेत में, यही ना, बाड़ी में, बगीचा में, जहाँ जहाँ अच्छा लगता है वहाँ वहाँ बनाते हैं क्या? हाँ। अच्छा, देखिए दोस्तों, ये सही से मतलब बोल भी नहीं पा रहा है और ये क्या बोलते हैं कि मात्र 6 साल उम्र है। और ये सच्चाई है, अगर कोई 6 साल का बच्चा कहीं भीड़ भाड़ में अगर जाता है तो थोड़ा सा हिचकेगा ही, इसलिए ये और आपको बता दें कि ये पहली बार जो है DNY न्यूज इसका इंटरव्यू किया था और पहली बार इसका जो है वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और हो भी रहा है। उसके बाद से तमाम मीडियाकर्मी आकर इसका इंटरव्यू ले रहा है बराबर। अभी भी हमारे साथ में 3-4 और मीडियाकर्मी है जो कि इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हैं। इसका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और लगातार आपको हम स्क्रीन पर इसका रील भी दिखा रहे हैं। अलग अलग तरह से इसका आप डायलॉग देख सकते हैं, अलग 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 लोकेशन में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर, कभी खेत में तो कभी घर में। अब समझ सकते हैं छोटा सा बच्चा, पापा डांटते नहीं हैं? नहीं।
रील जो आप बनाते हैं तो पापा नहीं डांटते हैं? क्यों, काहे बनाता है, पढ़ता है काहे ना? पढ़ते हैं ना? हाँ पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ते हैं, कौन क्लास में है? नर्सरी में। नर्सरी में। अच्छा नर्सरी में। देख लीजिए दोस्तों, नर्सरी का बच्चा और मात्र महज 5-6 साल का बच्चा आप समझ सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम इनके पापा से भी बात कर लेते हैं। अच्छा कितना दिन से वीडियो बना रहे हैं? लगभग 1 वर्षों से वीडियो बनाते आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये पहली बार जो वीडियो बनाया तो आपको कैसे पता चला? देखिए जब एक सरस्वती पूजा मना रहे थे ना, उस टाइम हम डीजे बजा के छोड़ दिया और चले गए, हम साइड हो गए। उस टाइम में जो है इसने डांस कर रहा था, ठीक है। उसके बाद जब हम डांस करते हुए इसको देखे तो हमको अच्छा लगा। अच्छा। तो सोचे क्यों ना ये वीडियो ही बनाए। जब अच्छा इसके मन में चल रहा है कि हम वीडियो बना के अच्छा कर सकते हैं तो वीडियो ही बनाने के लिए छोड़ दें। अच्छा। क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर जिस दिशा में अच्छा लगता है उस दिशा में अगर जाने देते हैं ना तो उसका मन बहुत अच्छा और आगे तक जाता है। क्योंकि अमेरिका वगैरह में देखते हैं कि वहाँ के बच्चे अधिकतर साइंटिस्ट पैदा होते हैं। ऐसा नहीं कि वो पहले साइंटिस्ट पैदा होते हैं, वो आगे चल उसका जो मन में चलता है उसके गार्जियन उस पर डिपेंड कर देते हैं, इसीलिए वो अच्छे बनते हैं। तो हम बिल्कुल यही सोच होनी चाहिए हर एक व्यक्ति में। आप देखे भी होंगे कि इसके इतना इतना और भी कई बच्चे लगातार वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, अपना अपना तमाम जो है टैलेंट दिखा रहे हैं। और एक पर एक आप सोनू को ले लीजिए, सोनू को देखिए किस तरह से वायरल हुआ था और अभी भी वायरल चल रहा है। और उसके जैसा और भी कई बच्चा है जो आए दिन वायरल होते रहता है सोशल मीडिया पे। तो बिल्कुल जो है बच्चों को जिस दिशा में मन लगे, जिस क्षेत्र में रुचि हो, उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ने देना चाहिए ताकि वो अच्छा कर सके। आजकल हमारे गांव समाज में होता क्या है दोस्तों कि बच्चों को चाहेगा कि बच्चे को मन है कि हम डॉक्टर बने तो उसका जो है पेरेंट जो है ज़बरदस्ती कहेगा कि नहीं तुमको टीचर बनना है। अब कोई बच्चे को रुचि है टीचर बनने का तो उसको कहेगा नहीं तुमको डॉक्टर बनना है। तो यही सब दिक्कत हो जाती है दोस्तों हमारे गांव समाज में आजकल जो है, खास करके हमारे बिहार में जो पेरेंट्स लोग हैं, जो गार्जियन हैं, वो बच्चों को समझ नहीं पाते हैं, बच्चे का प्रतिभा वो समझ नहीं पाते हैं और उसको जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में नहीं ले जाके उसको दूसरी दिशा में मोड़ दिया जाता है। और इसका परिणाम यही होता है कि बच्चा जो है आधे रास्ता में रह जाता है, यानी वो अपने प्रतिभा को दिखा नहीं पाता है। और ये आप देख सकते हैं मात्र 6 साल का जो आर्यन राज है ये काफ़ी अच्छा कर रहा है, जबकि ये कहीं भी जो है ट्रेनिंग नहीं लिया है, कहीं जाके सिखाया नहीं गया इसको, कोई भी इसको सिखाया नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये जो वीडियो बनाता है रील बनाता है तो अपने से बना लेता है? हाँ वीडियो बना के अपलोड भी कर लेता है। अपलोड भी कर लेता है? अपलोड भी कर लेता है। खुद से कहीं कोई सपोर्ट? कोई इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। शुरुआत में 1-2 बार सपोर्ट किए थे लेकिन उसके बाद ये खुद से बनाना शुरू, अपने से देखे खुद कर लेते हैं तो सपोर्ट करने की क्या जरूरत है। आपका मोबाइल लेता है बस बना के लेके बना के अपलोड कर देते हैं। वाह क्या बात है दोस्तों, समझ सकते हैं खुद से, हम सोचे भी नहीं थे। हमको तो लग रहा था कि ये सिर्फ शूटिंग करता होगा, इसका पापा या और कोई फैमिली में शूटिंग करवा के अपलोड करता होगा, लेकिन हमको आश्चर्य हो रहा है इस बात की कि ये लड़का खुद से वीडियो शूट भी करता है, रील भी बनाता है और सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब फेसबुक टिकी सब पे अपलोड भी कर लेता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इतना छोटा छोटा बच्चा को कहीं ना कहीं आज कल मोबाइल पकड़ने के लिए भी नहीं आता है, समझ सकते हैं, लेकिन ये इतना कुछ कर रहा है। अच्छा ये बताइए आपको इसके बारे में आगे क्या सोच है, इसको आगे बढ़ने दीजिएगा? हाँ हमेशा हम आगे बढ़ने देंगे, जितना इसका मेहनत होगा मेरे ऊपर से कम करेंगे और ये जितना आगे बढ़ सके करने के लिए तैयार हैं, इसके लिए कोई शक नहीं है। बल्कि आप लोग का इसमें सपोर्ट होना चाहिए और जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं हमें लगता है कि बहुत आगे तक जाएंगे। इसके लिए मैं आप लोग को, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जो बोल पाऊँ। बिल्कुल, हम देखिए इसका सारा श्रेय जो है हमारे दर्शकों को जाना चाहिए क्योंकि दर्शक ही भगवान माना जाता है। आप लोगों के ऊपर काफ़ी हमें भी भरोसा है कि आर्यन राज को भी काफ़ी सपोर्ट करिएगा और इसको भी प्यार सपोर्ट दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा ताकि ये भी आगे चल के और भी अच्छा कर सके और अपने गांव समाज में जो है अपने ज़िले का बिहार का ये भी नाम रोशन कर सके।
अच्छा, पिछले बार जो हम लोग वीडियो किए थे इसका तो काफ़ी वायरल हुआ, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो दर्शक लोग देख रहे हैं इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये सोच रहे हैं कि ये बहुत आगे तक आप लोग ये देख करके और इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करें और बहुत आगे तक ले जाएंगे। चलिए आर्यन, रील बनाना है ना और भी कि छोड़ देना है? रील बनाना है, बनाते रहना है, बनाते रहना है। पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई करेंगे ना? पढ़ाई करेंगे। हाँ, पढ़ाई करना है और जब समय मिलेगा बीच बीच में रील बनाना है, ठीक है ना? तो इसका चैनल भी जो है, एक चैनल भी है एक्टर आर्यन राज के नाम से, आप लोग यूट्यूब फेसबुक पर इसको भी सर्च करिए और इनको वहाँ भी जो है प्यार सपोर्ट करिए। रियलिटी इसका जो टैलेंट है मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और ऐसे ऐसे बच्चे, जो ऐसे ऐसे प्रतिभावान बच्चा हमारे बिहार में आए दिन वायरल होते रहते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिएगा और इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।